हम सभी को ताकत चाहिए होती है, क्योंकि ताकत एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर को बनाने के लिए, हमारी मसल्स को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होता है। आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आपका स्टैमिना और ताकत बढ़ाएंगे, साथ में कुछ ऐसी खाने वाली चीजें बताऊंगा जो आपके स्टैमिना को बूस्ट करके मसल्स ग्रोथ में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ताकत कितने प्रकार की होती है। देखिए, नॉर्मली जो इंसानी शरीर है उसमें दो तरह की ताकत होती है। एक ताकत वो होती है जिसमें हम किसी भी भारी से भारी चीज को एकदम से उठा सकते हैं, जिसे हम अपनी स्ट्रेंथ या अपनी ताकत बोलते हैं। और दूसरी वो ताकत होती है जिसमें हम किसी भी भारी चीज को उठा सकते हैं या किसी भी भारी काम को करते हैं लेकिन देर तक। तो अगर हम किसी काम को देर तक कर लेते हैं और हम नहीं थकते हैं तो उस ताकत को हम बोलते हैं हमारा स्टैमिना, मतलब हमारा किसी काम को करने का स्टैमिना कितना है। तो अगर आप काफी दिन से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप अपने शरीर को स्ट्रांग भी बना सकते हो और अपना स्टैमिना भी बढ़ा लेते हो। जैसे जो नॉर्मली बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो काफी समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मसल्स होती है जिनकी बॉडी में, उनके शरीर में स्टैमिना तो होता है, साथ में उनका शरीर स्ट्रांग भी होता है, उनके शरीर में स्ट्रेंथ भी होती है। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके शरीर में स्टैमिना की भी कमी होती है और उनके शरीर में स्ट्रेंथ यानी ताकत की भी कमी होती है। तो अगर आप लोग अभी बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको अपने स्टैमिना को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टैमिना कोई भी पतला दुबला इंसान बढ़ा सकता है लेकिन ताकत पतला दुबला इंसान नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि ताकत बढ़ाने के लिए शरीर में मसल्स का होना जरूरी है। तो कैसे बढ़ाएं अपने स्टैमिना को, आज आपको मैं वर्कआउट बताता हूं सबसे पहले कि स्टैमिना बढ़ाना कैसे है। ये वर्कआउट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसे बोलते हैं एनिमल वॉक। हम कुछ इस तरीके से एनिमल वॉक को परफॉर्म करते हैं। अब देखो, ये जो वॉक होती है, इस वॉक को करने से आपकी ओवरऑल जो बॉडी है उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आती है। उसके साथ में आप लोग धीरे धीरे जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने लगो तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पीठ में किसी चीज को बांध के और इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करना है। कब करना है इस एक्सरसाइज को, जब आप लोग अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लो, मतलब आप लोग वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद 10 से 15 मिनट, खत्म होने से पहले 10 से 15 मिनट अगर आप लोग इस एक्सरसाइज को करते हो, हर एक दिन के गैप पे आप लोग को 15-15 मिनट इस एक्सरसाइज को करना है, तो आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टैमिना भी काफी तेजी से बढ़ता है। साथ में आप लोग अगर अपने कोर, अपने एब्स मसल्स का वर्कआउट करते हो तो भी आपका स्टैमिना काफी तेजी से बढ़ता है, जिसमें आप लोग प्लैंक कर सकते हो। अगर आप लोग वर्कआउट खत्म होने के बाद 15 मिनट प्लैंक करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। जब भी आप एक्सरसाइज खत्म करने वाले हो तो उससे 15 मिनट पहले आप लोग ये दोनों एक्सरसाइज जरूर करो। मतलब आपने एक दिन आपने किया स्टैमिना वाला वर्कआउट एनिमल वॉक, उसके बाद आपने नेक्स्ट डे किया आपका कोर वर्कआउट यानी आपका एब्स का वर्कआउट, तो इससे होगा क्या, आपके एब्स तो बनेंगे साथ में आपकी बॉडी का स्टैमिना भी बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे फूड्स की जो आपके शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं, आपकी अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। जो पहला फूड है वो है आंवला। अगर आप लोग आंवला खाते हो तो आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती है, साथ में आंवला आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, तो लीवर स्वस्थ रहेगा तो जो भी चीजें खाओगे वो सही से शरीर में पचेगी। दूसरा फूड है हमारा आमंड्स यानी बादाम। अगर आप लोग बादाम खाते हो तो अंदरूनी ताकत बढ़ती है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो बुखार आपको नहीं होगा। जब आपको बुखार नहीं होगा, शरीर स्ट्रांग रहेगा, तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा और शरीर में ताकत बढ़ेगी। उसके साथ में जिंजर यानी अदरक, अगर आप लोग अदरक खाते हो तो इससे भी आपके शरीर का स्टैमिना बढ़ता है। आप लोग चाय में अदरक डाल के ले सकते हो अगर आपके घर में बनता है, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा अदरक शहद में मिला के हल्का सा रोज आप लोग सुबह सुबह खाते हो तो आपके शरीर का स्टैमिना बढ़ता है और आपकी लीवर की पावर भी बढ़ती है इससे। उसी के साथ में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप लोग हिमालयन ऑर्गेनिक्स के इम्यूनिटी मल्टीविटामिन विद प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, साथ में ये आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करता है। इसमें आप लोग को एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, साथ में इसमें आप लोग को विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन K2, जिंक, बायोटिन, गिलोय, मतलब इतने सारे विटामिन्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप अपनी मसल्स ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें भी आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है। इसका आप लोग रोज एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप लोग खाना खाएं तो खाना खाने के बाद में इसका रोज एक टैबलेट आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये आपकी बॉडी में बहुत सही आपको इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। उसके साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो होता ही है जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को हिमालयन ऑर्गेनिक्स के इम्यूनिटी मल्टीविटामिन विद प्रोबायोटिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब देखो, आप लोगों को यह पता चल गया कि अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है। तो जब आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा तो आप लोग वर्कआउट देर तक कर पाओगे। आप लोग देर तक वर्कआउट करोगे तो मसल्स भी उसी हिसाब से ग्रो होंगी। जितनी मसल्स आपकी ग्रो होंगी उस हिसाब से आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो आप लोग स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों के साथ में अपने शरीर को मस्कुलर भी बना पाओगे और बॉडी आप जैसी चाहते हो वैसी बन जाएगी। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ये सारी चीजें करके अपने शरीर को मस्कुलर बना पाओगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अपने शरीर की ताकत बढ़ानी है, इन सभी चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो।